मैं आचार्य श्याम महंत पाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से तुला राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। तुला राशि के लोग संघर्षवादी हैं, परिवार को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं, सबको जोड़कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों जो सम्मान परिवार में आपको मिलना चाहिए वह आपको मिल नहीं पा रहा है। जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में कोई न कोई अटकलें आ जाती हैं, कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दोस्तों आप घबराते नहीं हैं, धैर्य से काम लेते हैं। इसलिए शनि देव महाराज तुला राशि के साथ खड़े हैं, आपकी मदद करने जा रहे हैं, आपके घर परिवार में रुके अधूरे कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी। तुला राशि को जो विश्वास पात्रों से धोखा मिलने के योग भी बता रहे हैं, जिसपे आप ज्यादा भरोसा करेंगे उसी से आपको धोखा भी मिल सकता है। इसलिए तुला राशि के लोग सावधान होकर के सुने, अपने ही आपका साथ देने से कतराएंगे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके कार्यों में रुकावटें डाल देंगे। तुला राशि के परिवार में सही संतुलन बनने लग जाएगा, तुला राशि के भाग्य में विशेष परिवर्तन शनि देव महाराज करेंगे और आपके परिवार का संतुलन अच्छा चलेगा, आपके कारोबार व्यापार अच्छा चलेगा, आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर आएंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों तुला राशि के लोग अगर अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको शनि देव महाराज की और विष्णु देव की भी कृपा बनेगी, विष्णु देव महाराज खुश हो जाएंगे, आपके हर कार्य पूर्ण करने लग जाएंगे, आपके घर परिवार की उन्नति होने लग जाएगी और आप अपने को बहुत खुशहाल महसूस करेंगे। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी बनेंगे और आपके घर में नई ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा, लोगों में अच्छी सोच बनेगी तो आपको प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों हो सके तो शनि चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपका जीवन सफल होगा। जय श्री राम, जय माता दी।